पहले इनका क्वेश्चन है इसवार सिंह का कि चार्जिंग जैक जो है एक फोन इनके पास है, एक प्रॉब्लम है कि उस फोन को इनको सॉफ्टवेयर करना है और ये सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे हैं उस पे, क्योंकि वो फोन चार्ज तो हो रहा है चार्जर लगाने पे, लेकिन फोन उनका जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है कंप्यूटर से। तो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो वो वजह हम लोग जानते हैं पहले क्यों नहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि सब कुछ सही होगा अगर चार्जिंग जैक की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जो है फोन कनेक्ट नहीं होगा। तो चार्जिंग जैक सभी लोग जानते हैं कि इस तरह का कुछ बना होता है, कुछ पॉइंट होते हैं उसके अंदर, जो तुम्हारा जो चार्जिंग जैक होता है उसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो पॉइंट होता है, पहला वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये प्लस होता है, ये वाला प्लस, ठीक। और सबसे जो आखिरी वाला होता है ये होता है माइनस, यानी कि पिन नंबर 1 और ये है 2, 3, 4 और लास्ट वाली 5। ध्यान समझना आप लोग सब लोग, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस होते हैं, और ये वाली जो जो होता है ये होता है RX और नीचे वाला होता है TX, और इसका कोई कोई काम नहीं होता है, इस वाले जो 4 नंबर पिन होती है इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल में अगर मदरबोर्ड में जो कनेक्शन है प्लस का और कनेक्शन है और माइनस का कनेक्शन है, प्लस वाला है और ये माइनस वाला, 2 कनेक्शन अगर है तो आपका फोन सिर्फ चार्ज होगा, क्या होगा, सिर्फ आपका फोन चार्ज होगा, ठीक है। जब तक ये RX और TX ये 2 पिने आपकी कनेक्ट नहीं होंगी, तो चार्जर में या डाटा केबल में या फिर मदरबोर्ड में, तब तक आपका फोन डिवाइस मैनेजर पे कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये 2 लाइनें आपको चेक करनी पिन नंबर 1 और 2। तो तुम्हारा जो चार्जिंग जैक होता है, ठीक है, मोबाइल का जो चार्जिंग जैक है उसमें RX TX अगर जो है काम नहीं करेगा एंड इसके ट्रैक निकल गए हैं तो फोन आपका कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये RX TX की लाइनें आपको देखनी पड़ती है, जब तक RX TX अगर आपका कनेक्शन नहीं है, प्लस और माइनस कनेक्टेड है तो सब चार्जिंग होगी अकेले प्लस माइनस पे, ठीक है। और RX TX होंगे, लाइन जुड़ी होगी, तभी जो है आपका फोन कनेक्ट होगा कंप्यूटर से, तभी आपको डिवाइस मैनेजर में जो आपको देखने को मिलेगा कि आपका फोन कनेक्ट है कि नहीं है। मैनेज, ऐसे बताया था मैंने, मैनेज पे आना है और डिवाइस मैनेजर, यहां पे कनेक्टिविटी चेक करते हैं। अब उससे पहले आप क्या कर सकते हो, फोन के अंदर एक काम कर सकते हो कि आप चार्जिंग जैक को सॉल्व कर सकते हो, उसकी जो पिने होती है वो सोल्डिंग कर सकते हो, ठीक है, डाटा केबल चेंज करके देख सकते हो, ये प्रोसेस आपको करना रहेगा, ठीक है। इसवार सिंह जी, आपका एक क्वेश्चन था इसलिए आपका जो है फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ये लाइन आपको ट्रेस करनी है चार्जिंग जैक, अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो और मैं आपको डिटेल में सिखा देते हैं। देखो इसके अंदर कितनी पिने हैं, 5 पिने हैं, देख रहे हो ना, 5 पिन, और 5 पिन जो जो तुम्हारी ये वाली दिख रही है, ये वाली पहली वाली प्लस और लास्ट वाली माइनस, ये 4 नंबर कुछ नहीं, और ये 2 जो लाइनें होती है ये वाली, तो ठीक है, ये आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट होनी चाहिए। अगर ये पिने टूट गई है यानी कि लाइन ब्रेक हो गई है तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा किसी भी तरीके से, तो इनकी आप सोल्डिंग वगैरह कर सकते हो, नहीं तो चार्जिंग जैक आप चेंज करके भी देख सकते हो, ठीक है। इस बार जी ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपका फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर ये बोलो, ये जो आप लाइनिंग बता रही है तो सही है, मैंने चेक करके देखी थी कल, चेक करके देखें, डाटा केबल चेंज किया, अब 4-5 डाटा केबल चेक कर ली, चार्जिंग पिन भी चेक करके देख ली, चार्जिंग के लिए तो चार्जिंग के लिए जो है प्लस और माइनस जो है यही पर्याप्त होते हैं, प्लस माइनस कनेक्ट है तो फोन चार्ज होगा जाके। अब अगर आपका फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसके बजाय बताया तुमको क्या है कि जो तुम्हारा ये RX TX वाला जो होता है सिस्टम, इनमें क्या होता है कुछ कंपोनेंट आगे लगे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हाँ इनके आगे जो है कंपोनेंट लगे होते हैं RX TX की लाइन पे, हाँ कंपोनेंट्स हैं वो भी देखे थे कर सर, ठीक है, उनकी आप टेस्टिंग वगैरह चलता है कंपोनेंट को टूल से, नहीं ये जो लाइन इस पे हो सकता है यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह लगा हो, हाँ सर पिन चेंज हो जाएगा, पिन चेंज करके नोक बुला देख लिया है, इस पे भी कैपेसिटर लगा हो सकता है, रेजिस्टेंस लगी होती है, इसके पास में कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, जो इसी लाइन से जो है जुड़े होते हैं, उन कंपोनेंट को आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, चेक करनी पड़ेगी। हाँ बताइए सर, कंपोनेंट्स तो लगे हुए हैं वो तो देख, मैं ये बोला कंपोनेंट्स तो लगे हुए थे वो तो देखे थे, लेकिन वो चेक नहीं किया ना, ठीक है चेक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो लाइनिंग जो है ये कंपोनेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने मदरबोर्ड में देखिए कहीं ना कहीं ऐसे गोल गोल करके पॉइंट बने होंगे,
ठीक, शॉर्टकट पॉइंट। और किसी में यहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे किसी में लिखा होगा RX, RX लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा TX, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हो कि यही दो पॉइंट से एक जम्पर इस पे लगा दो और एक जम्पर इस पे लगा दो, तो आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर लाइन, अगर कंपोनेंट आपको चेक करना नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं RX TX के पॉइंट जो है आपके मदरबोर्ड में दिए होंगे, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हो। अब इसमें कहोगे TX का कौन सा लगाए, RX का लगाए, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी लगा दो। RX का मतलब होता है रिसीव, X मतलब डेटा, TX यानी ट्रांसमिट, यानी मोबाइल के अंदर से जो ट्रांसमिट हो वो TX में आता है, रिसीव का मतलब, RX का मतलब रिसीव करना होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट भी होता है और रिसीव भी होता है, तो ये चीज आप करके देखिएगा आप। तो सर ये दो गोले जो आपने बताए ना, RX और TX की गोले नहीं हो तो अगर ये नहीं होंगे तो यहाँ पे आपका जो है DM और DP लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखा हो सकता है DM लिखा हो सकता है, ठीक है। अगर हाँ DP लिखा हो सकता है, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे लिखा होगा, लिखा हो सकता है D+D-, हाँ, और D+ ऐसे करके लिखा हो सकता है। तो वहां से आप जम्पर लगा दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट लगाना है, तो आपकी जो है कनेक्टिविटी जो है सही हो जाएगी, आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं, ये होती है लैंड ट्रेस करने की। अब अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई एक काम आपको और करना पड़ेगा, इसकी जो है सर्किट डायग्राम डाउनलोड करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक डायग्राम। शायद आप लोग जानते होंगे सर्किट ट्रेसिंग वगैरह, थोड़ा बता देते हैं किस तरीके से सर्किट होती है। ये इस तरह की जो है सर्किट डायग्राम होते हैं, ये आपको ट्रेस करने होते हैं, ये इस तरीके के डायग्राम होते हैं, और ये तब आपको अच्छे से आएगा जब आपका हार्डवेयर अच्छे से कंप्लीट होगा, तभी आप ट्रेसिंग कर पाओगे। और शायद बहुत से इंस्टीट्यूट जो है फीस आपसे ले लेते हैं लेकिन सर्किट डायग्राम नहीं सिखाते हैं, ये किस तरीके से लाइन करनी है, ठीक है। ये वो कहते हैं हम 5,000 में सिखा देंगे, 6,000 में सिखा देंगे, लेकिन पैसे भी लेते हैं, आपको ये ट्रेसिंग करना नहीं सिखाते हैं। और जबकि मेन चीज यही है, जैसे आपका घर बनता है, घर बनने से पहले घर का नक्शा बनता है, ऐसे ही क्या होता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जाती है, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो सबसे पहले ये नक्शा ही तैयार होता है, ठीक है। और ये तीन इलेक्ट्रॉनिक से मिलकर बना होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर। और आप लोग जो रिपेयरिंग में जो सीखते हैं वो ओनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखते हैं, तो ट्रेसिंग लेवल पे शायद कोई जल्दी बल्दी बंदा आपको ले नहीं जाता है, या फिर सिखाना तो चाहता है लेकिन हर एक बच्चे का इतना माइंड डेवलप नहीं होता है कि वो उस तरीके से समझ पाए, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि टीचर का समझाने का तरीका नहीं होता अच्छे तरीके से, वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो भी आप लोग नहीं सीख पाते हो, क्योंकि इसके लिए आपको जो है एक अच्छे टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और शायद ही बता रहे यहाँ पे कई लोग हैं इस क्लास में, लगभग 11 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, तो शायद एक ही दो लोग इसको ट्रेस करना जो है जानते होंगे भाई साहब से, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई सवार जी, ठीक है। अब आगे बताइए कल की क्लास कहाँ पे चल रही थी। सर कल की क्लास मैंने तो नहीं ली, अभी नोट्स भी नहीं है, कल वाली नहीं ली थी। एक मिनट शरीफ जी, आप नोट्स जो है फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, किसने बनाए थे नोट्स? मैंने बनाता हूँ सर। किसने बनाए थे नोट्स बताइए? मैंने बनाए सर। हाँ सत्येंद्र, आपने बनाए थे, ठीक है, आप जो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है, ओके जी सर। और जैसे हमें नेट मिलेगा तैसे वीडियो अपलोड करके लिंक दे देंगे, ठीक है। और ये राहुल जी, निरंजन जी और रतेंद्र जी, कैमरा ऑन करिए। तो कल की क्लास चल रही थी, हम लोगों ने वो सीखे थे क्या नाम करके कितने टाइप के मोड होते हैं, कौन कौन मोड पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला मोड कौन सा था बताइए?